हेलो, मेरा नाम महेश और आप देख रहे हैं गीक माही। और आज आपसे बात करने वाला हूँ एंड्रॉयड के कुछ ऐसे कमाल के वीडियो एडिटिंग एप्स के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके आप प्रोफेशनल तरीके से अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। एडिट के साथ साथ आप कट, ट्रिम और ट्रांजिशन इफेक्ट और म्यूज़िक एट्सेट्रा वगैरह आप उसमें ऐड कर सकते हैं साथ ही साथ। और आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि मैं किस ऐप से अपने वीडियो को एडिट करता हूँ। इनफैक्ट जो वीडियो आप देख रहे होंगे वो भी किसी ना किसी ऐप से एडिट हुई होंगी, है ना। उस ऐप के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। और मैं आपको कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में बताऊँगा जिनके बारे में शायद ही आपने पहले आज से कभी पहले सुना हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास कोई भी DSLR कैमरा नहीं है, कोई भी लैपटॉप नहीं है। मैं अपने वीडियोज़ को अपने फ़ोन से शूट करता हूँ और उसी से ही एडिट करके उसको अपलोड करता हूँ। तो मेरा जो भी काम होता है वो फ़ोन से ही होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे पहला ऐप है वो है यहाँ पर Adobe प्रीमियर रश। तो दोस्तों, ये ऐप आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और ये लगभग 160-170 MB का आ जाएगा। तो इस ऐप को डाउनलोड आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं। मैं उसके लिंक्स सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन इस ऐप की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये सभी मोबाइल को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये आपके मोबाइल के ऊपर डिपेंड है कि ये ऐप आपके मोबाइल में सपोर्ट है कि नहीं, तो उसको आप एक बार जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने प्रीमियर रश को ओपन कर दिया है। तो जैसे देखिए, मैंने कई सारे वीडियोज़ को पहले ही एडिट किया हुआ है। मैंने इसे 3-4 वीडियोस एडिट की हुई हैं। सब मैं यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से इसकी एडिटिंग वगैरह होती है। फ़िलहाल मैं कोई प्रोफेशनल एडिटर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जितना भी है आपके सामने है। तो आइए मैं आपको एक क्विक सैम्पल दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से इससे एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर चले आना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड मीडिया पर आने के बाद आपको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में आना होगा। आप इसमें वीडियोज़ के साथ साथ फ़ोटोज़ को भी ऐड कर सकते हैं बारी बारी से। तो मैं यहाँ पर अपने वीडियोज़ को ऐड करता हूँ। तो मैं आपको सैंपल के लिए दिखा देता हूँ एक वीडियो। तो यहाँ पर आप इसके बारे में भी मैं बताऊँगा जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा वीडियो आ चुका है। तो इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि मुझे अगर यहाँ पर कट करना हुआ तो मैं यहाँ पर कट कर दिया। फिर उसके बाद ये और ये दो अलग अलग क्लिप बन चुकी है। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर जैसे कि इसमें अगर कुछ और भी ऐड करना चाहें, ओवरले और भी कुछ ऐड करना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं कोई फ़ोटो ऐड करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा वीडियो चल रहा है। लेकिन ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप चाहे जहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इससे ये रहता है कि आप जिस वीडियो के बारे में भी जिसके बारे में भी बात कर रहे होंगे उसके बारे में यहाँ पर छप कर आ जाता है, तो उससे क्लियर आइडिया हो जाता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा वीडियो एडिटिंग ऐप है वो है यहाँ पर काइन मास्टर। दोस्तों, काइन मास्टर के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। तो इसका एक क्विक डेमो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर चले आना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको किस एस्पेक्ट रेशियो का वीडियो एडिट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट करके, फिर उसके बाद ऐड मीडिया पे, जैसे कि मैंने 19:16 के रेशियो को चुना है, तो आप यहां से उस वीडियो को एडिट करके इजीली अपने इंस्टाग्राम और अपने टिकटॉक पर अपलोड कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ है तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो
तो यहाँ पर कोई भी एक क्लिप मैं उठा लेता हूँ एडिट करने के लिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ये हो गया, तो इस क्लिप को मैंने यहाँ पर उठा लिया जो कि कुछ 8 मिनट का क्लिप है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 19:16 में चल रहा है। तो इसको एडिट करने के लिए इसको मैं एडिट करता हूँ, जैसे मैं कुछ यहाँ पर लेयर्स वगैरह ऐड कर देता हूँ, जैसे मैं इफ़ेक्ट ऐड करता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये इफ़ेक्ट ऐड कर दिया है मैंने। फिर उसके बाद तो ये ऐप भी काफ़ी सिंपल है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा ऐप है। और अब बात करते हैं अपने तीसरे ऐप की, जो कि है यहाँ पर फिल्मोरा गो। तो फिल्म दोस्तों मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना बने। तो मैं यहाँ पर फिल्मोरा गो के ऐप में आ गया हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे कोई भी वीडियो एडिट करनी होगी तो मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू वीडियो में आकर कोई भी क्लिप उठा लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूटूथ में। तो यहाँ पर जैसे ये आ चुका है तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से आपको क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर चले आना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप थीम्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं थीम्स के साथ साथ। तो ये भी काफ़ी कूल सा और बहुत ही अच्छा ऐप है, आप इसको भी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और बता देता हूँ इस ऐप के बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से वीडियोस को क्रॉप कर सकते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप टाइटल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर PIP पिक्चर इन पिक्चर, यानी कि आप कोई और वीडियो उठाकर यहाँ पे आप इस वीडियो के ऊपर एक वीडियो चला सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिल जाते हैं आपको। तो इस ऐप को भी आप एक बार ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। तो बात करते हैं अपने चौथे ऐप की, जो कि है व्लॉगिट। तो दोस्तों मेरा जो पहला ऐप पहला वीडियो था बोया माइक के ऊपर, मैंने उस वीडियो को इसी व्लॉगिट से ही एडिट किया था। अब क्या करें, अब भाई पहला वीडियो था, मुझे पता नहीं था कुछ एडिटिंग के बारे में, तो मैंने इस ऐप का यूज़ किया था। बट दोस्तों वहाँ पर एक ख़राबी हो गई थी, आप अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा, मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक दे दे रहा हूँ। तो व्लॉगिट का भी एक बार सैर सपाटा कर लिया जाए। तो व्लॉगिट में आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो एक्सप्लोर एज अ गेस्ट हम चलते हैं इस ऐप में। तो आते हैं हम अपने ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही एडिट करना शुरू किया था, तो मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ, आपको फ्रेश और ताज़ा एडिट करके दिखाता हूँ कि कैसे इससे एडिटिंग की जाती है। तो यहाँ पर मैं अपनी लाइब्रेरी में गया, फिर उसके बाद मैंने कोई भी एक क्लिप उठा ली, जैसे कि मैंने यही उठा लिया 9:16 वाला। तो इस ऐप को मैं इस क्लिप को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। तो ये क्लिप जो फालतू हो गई है मैं उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, तो डिलीट हो गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही फास्ट ऐप है वीडियो एडिटिंग के लिए। अगर आपको जल्दी जल्दी से वीडियो एडिटिंग करनी है तो इस ऐप को आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छा ऐप है, एक बार ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टिकर वगैरह के ऑप्शन आ रहे हैं, तो स्टिकर से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप इमोजी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, GIF वगैरह सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप ट्रांजिशन वगैरह भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर स्पीड वगैरह, दोस्तों बहुत ज़्यादा फीचर्स तो नहीं मिलते हैं इसमें आपको, लेकिन जो भी है ऐप बहुत ही सिंपल और अच्छा है। एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको अच्छे और जल्दी तरीके से अपने वीडियोस को एडिट करना हो। तो
तो अब चलते हैं दोस्तों अपने पांचवे एडिटिंग ऐप की तरफ, तो है ब्लॉगियो करके। ब्लॉगियो दोस्तों एक मुझे बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन लगा है उन लोगों के लिए जो टिकटॉक को और इंस्टाग्राम को काफ़ी यूज़ करते हैं। तो मैं आपको ऐप का भी एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं एक वीडियो को एडिट कर रहा था, तो चलिए मैं उसी वीडियो को दिखा देता हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे में जो बैकग्राउंड ब्लर है, ये है इसकी सबसे बड़ी खासियत। आप देखे होंगे टिकटॉक वीडियो में कि जैसे कि वीडियो चल रहा है, फिर उसके बाद ऊपर नीचे या दाएं बाएं कहीं भी वो ब्लर सा चलता रहता है। तो उसमें कई आपको ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि आप ऐसे कीजिए ब्लर होगा, वैसे कीजिए ब्लर होगा। बट इस ऐप में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। आप सिंपली अपने वीडियो को यहाँ पर ऐड कीजिए, फिर उसके बाद ये खुद ब खुद आपके वीडियो के पीछे ब्लर, आपके वीडियो को ही की ही ब्लर को लगा देगा। तो ये है ना काफ़ी सिंपल सा ऐप। इस ऐप को भी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही छोटा और सिंपल ऐप है। इसे आप हैवी एडिटिंग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप छोटे मोटे काम चलाओ एडिट वीडियो एडिट ज़रूर कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्टिकर्स वगैरह भी देख सकते हैं, और कई सारे इफ़ेक्ट भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इफ़ेक्ट देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये देखिए। तो आप इस और मैं आपको बता दूं कि इस ऐप में जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाटरमार्क आ रहा है, इसको आप फ्री में रिमूव कर सकते हैं। वैसे आप यहाँ पर फ्री रिमूव करने के लिए आपको एक ऐड को देखना पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको स्किप कर देता हूँ, तो मैं क्लोज़ कर देता हूँ। फिर उसके बाद आप एक बार फिर से टैप करेंगे तो ये रिमूव हो गया है। तो इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा वाटरमार्क को रिमूव करने के लिए। तो इसके बारे में आप एक बार ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा ऐप है। इस ऐप को मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप एक बार इस ऐप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में आपको बता देता हूँ कि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये बैकग्राउंड देख सकते हैं जो मेरा ब्लर चल रहा है, मैं उसको और भी कुछ कलरफुल तरीके से चेंज कर सकता हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा कलर पसंद आता है। तो ये तो हो गई बात दोस्तों व्लॉगियो की। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने लास्ट और जो मेरा मोस्ट फेवरेट ऐप है, मोस्ट फेवरेट ऐप, इनफैक्ट जो वीडियो आप देख रहे हैं वो वीडियो भी इसी ऐप से एडिट की हुई है। तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे साइबरलिंक पावर डायरेक्टर के बारे में। तो ये मेरा सबसे फेवरेट और हर यूट्यूबर का मोस्ट फेवरेट एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे क्लिप्स मैंने इसे एडिट की हुई हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्विक सैम्पल आपको दिखा देता हूँ इसका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वीडियो भी मैंने इसी ऐप से ही एडिट की हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टाइटल हो गया, फिर ये देखिए आप। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही क्विक और कूल और अच्छा इंटरफेस है इसका। तो मैं आपको एक नया वीडियो एडिट करके दिखा देता हूँ। तो आपको नए प्रोजेक्ट में आना है, उसके बाद आपको एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करना है। तो आप किस एस्पेक्ट रेशियो का वीडियो बनाना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करके फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप वीडियोज़ और वीडियो, फ़ोटो, म्यूज़िक एक साथ आप तीनों ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वीडियो ऐड करता हूँ, फिर उसके बाद एक फ़ोटो ऐड करता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक म्यूज़िक ऐड करता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वीडियो बन के तैयार हो चुकी है। तो ये था एक कमाल का वीडियो एडिटिंग ऐप। मैं इस ऐप की रिकमेंडेशन आपको दे रहा हूँ, आप इस ऐप को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर कोई भी ऐप के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं उस ऐप के बारे में एक इन डेप्थ फुल वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको क्लियर आइडिया लग सके कि इस ऐप में कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है। और अगर आपको किसी भी वीडियो एडिटिंग ऐप में वाटरमार्क आता है, अगर आपको उसको रिमूव करना है, तो प्लीज़ उसके बारे में भी कमेंट करके बताइएगा। मैं उस ट्रिक को भी आपको एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बताऊंगा कि किस तरीके से आप वीडियोस के वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और अपना ख्याल रखिए दोस्तों।